not loving it. That's a lovely yellow Porsche 718 Boxster. क्या कह रहे हो? First Hayabusa to clock 100 kilometers in India. ऐसा title डाल दिया जाएगा. YouTubers life, bro. फिर भी ride तो करेंगे. ये TikTok star है जी. ये TikTok पे video डालता था. और मैंने छोड़ रखे हैं. जैसे ही मैंने break पे लगाया हाथ. कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस. तो कल शाम को मैं चला रहा था वो वाली पूसा और हर्ष चला रहा था ये टेनर. हम दोनों मिलके गए थे GFR, बट हाँ व्लॉगिंग जो करी थी हमने इसी वाले कैमरा से, फाइल्स हो गई थी करप्ट, इसीलिए इंट्रो ले रहा हूँ दोबारा. एंजॉय करो वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड बहुत मजा आने वाला है. वाओ, दैट्स अ लवली येलो पोर्शे 718 बॉक्सटर. एंड ट्रस्ट मी मैन, आफ्टर बाइक्स नाउ आई हैव स्टार्टेड क्रेविंग फॉर द सुपर कार्स. एंड भाई अभी हमारी बाइक्स बहुत अच्छी लग रही है. आई एम श्योर जो गाड़ी में भी बैठा होगा वो भूसा ही देख रहा होगा. सीरियसली मैन, आई एम वेरी हैप्पी कि बाइक ने ना मतलब अपना वजन थोड़ा सा घटाया, बट जो शेप एंड साइज है ना वो बरकरार रखी है. थोड़ी और शार्प हो गई वो अच्छी बात है. बट हाँ एक चीज़ बोलूँ, अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया 22 किलोमीटर बाइक मेरी चली है, थोड़ा ना गियर शिफ्टिंग हार्ड है. अभी गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ नहीं हो रहे हैं और ऊपर से ना जो क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सा रफ है. और ये जो शीशे हैं ना, ये यार एक तो एडजस्ट करना और इसके अंदर में से पीछे देखना भी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है मुझे. पहले वाले काफ़ी बड़े बड़े थे, काफ़ी अच्छे थे. ये फैंसी कर दिए फॉर श्योर, बट विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है. और इसको एडजस्ट यस कर लेते हैं, एक ही बार करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर तो मैं ही चलाने वाला हूँ. यस नाउ आई कैन सी एंड फोटोग्राफी ऑलरेडी चालू हो चुकी है. एंड दोस्तों ट्रस्ट मी मैन, आज भी बहुत गर्मी है. इट्स सो डैम हॉट कि अभी इस रेड लाइट पे खड़े खड़े ना मेरी आंखों के अंदर तक पसीना आ रहा है. मतलब आंखों में जलन हो रही है, पसीना टपक के आंखों के अंदर जा रहा है एंड इरिटेशन हो रही है बॉस. फिर भी राइड तो करेंगे. व्हाट अ हेड टर्नर मैन, मतलब ऐसा लग रहा है एक पल के लिए हर कोई हमें देख रहा है. दैट्स व्हाट बूसा मींस मैन. ये देखो ये दूसरा गियर, ये तीसरा, ये चौथा. ओके अब ये मैंने डाउन शिफ्ट किया, तीसरा दूसरा. एंड सीरियसली बहुत हार्ड है. क्विक शिफ्टर सेटिंग 1 पे दिखा रहा है क्योंकि मैं अभी डिफ़ॉल्ट ए मोड पे चला रहा हूँ. उसके बावजूद इट इज़ नॉट स्मूथ एट ऑल. तो इसके बारे में भी जांच पड़ताल होगी. फिलहाल मेरी बाइक में तो फ्यूल है, 10 hr में डलवा देते हैं. ये टिकटॉक स्टार है जी, ये टिकटॉक पे वीडियो डालता था वो बंद हो गया है. इसका काम धंधा थोड़ा चौपट हो गया तो अब ये डालेगा इंस्टाग्राम पे. सही है, कितना हो गया. ये मैंने मारी ब्रेक, तो आज ब्रेक टेस्ट भी हो जाए जरा. मुझे याद है भाई मैंने पहली बार ना डोमिनार का रिव्यू किया था, मतलब बहुत हेट मिली थी उसमें, बहुत डिसलाइक मिले थे, बट ना वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुई थी. मेरे चैनल की पहली वीडियो थी जो 1 lakh व्यूज़ को टच करी थी. सो उसमें मैंने पता क्या क्या किया था डोमिनार के साथ में, मैंने व्हीली टेस्ट भी किया था. क्या बोलती रहे पब्लिक, करके दिखाऊं व्हीली टेस्ट. नहीं, आई लव डूइंग व्हीलीज फॉर श्योर, बट ऐसा है ना यार सड़कों पे ना मैं करता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ. थोड़ा खाली हो बिल्कुल, मतलब सुनसान बंजार, या हो ट्रैक वाली सर्विस लेन या ट्रैक का मेन रोड, मतलब मेन ट्रैक ऑब्वियसली, समझ गए ना भावना को. तो यहाँ देखो मैं ऐसे लीन कर रहा हूँ, यहाँ पर लीन दिखा रहा है, यहाँ लीन कर रहा हूँ, यहाँ लीन हो रहा है. तो अभी मैक्सिमम मैं 17 एंगल पर लीन कर चुका हूँ. एंड अभी मोड जो दिखा रहा है वो है ए. ये मैंने ब्रेक दबाई, सो यू कैन सी यहाँ पे ब्रेक पता लग रही है कि कितनी इंटेंसिटी से मैंने ब्रेक दबाया. और जैसे ही मैं थ्रॉटल खोलता हूँ आपको यहाँ तो दिखता है कि नीडल हिल रही है, RPM ऊपर जा रहा है, बट यहाँ भी दिखेगा आपको, सी ऑन दिस साइड लाइक दिस. तो वो बताता है कि कितना आपने थ्रॉटल खोला है, वॉट इज़ योर थ्रॉटल रिस्पॉन्स. फिलहाल थोड़ी सी चलाते हैं एंड आपको और इस बाइक के बारे में बताते हैं. बट ओए ब्रेक इतनी ज़ोर से क्यों लगाई है. ब्रेकिंग पहले वाले से तो अच्छी कर दी है, बट फिर भी बाइक का जो वेट है ना वो कभी लाइट वेट बाइक्स के हिसाब से मैच नहीं कर सकती. तो अभी भी काफ़ी डिस्टेंस लगा के हमें ब्रेक लेना पड़ेगा. जैसे ये मैंने भगाई और मैंने एकदम ब्रेक लगाई, ये पीछे का डायर स्किट मार रहा है. देखो आवाज़ आ रही होगी, नॉट श्योर इसमें रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई. तो प्रॉपर स्किट वाली आवाज़ आ रही है, बाइक नहीं रुक रही है बट आवाज़ आ रही है. तो भाई मुश्किल है, बट यही चीज़ आप 10 hr के साथ करोगे ना, क्योंकि वो लाइट वेट है तो रुक जाती है, आपको दिखेगा.
यू कैन सी द रिजल्ट कि आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी वो रुकेगी। अब मैं आगे की करता हूँ, आगे की तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। ये ली ये देखो ली रुक गई। तो कहने का मतलब है कि बड़ी बाइक्स में स्पेशली ना 70-30 का लोग रेशियो चलाते हैं, मतलब आगे अच्छे से ब्रेक लगाते हैं, पीछे वाली कम यूज़ करते हैं। एंड जो ये फिंगर्स है ना, इसका भी सबका अपना स्टाइल होता है। वैसे तो एक फिंगर से काम हो जाता है ब्रेक का, और दो फिंगर से हो जाता है यहाँ पे क्लच का। इससे ज़्यादा उंगलियों की ज़रूरत नहीं है देखो, और अभी तो हमें ये वाली उंगली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने गियर शिफ्ट कर दिए, हो गया अप शिफ्ट, और आगे अपने रोकना है जैसे, ये मैंने मारा डाउन शिफ्ट। बट यार सैडली मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा ये फीचर, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इंजन को ना इम्पैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ना बड़े हार्ड डल रहे हैं गियर्स यार। नॉट लविंग इट। बाकी हल्की है, हैंडलिंग लाइट है, वज़न तो वहीं का वहीं है, क्योंकि मैंने ऑफिस में इसको आगे पीछे करने की कोशिश करी थी, मैं समझ गया कि ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि पुरानी भूसा भी उतना ही मतलब कि एफर्ट लेती है, उस हिसाब से ये बाइक भी उतना ही एफर्ट ले रही है। गाड़ियां चल रही हैं नीचे, हर्ष है आगे और मैं पीछे, तो हमने GoPro एक वहां भी लगा दिया। तो हर्ष कह रहा आ जाओ मुझे फ्लाई बाय दो, मैं अच्छा सा शॉट लूंगा। बट इसको नहीं पता मेरे दिल में ख्याल चल रहा, और आप लोगों को भी नहीं पता मेरा दिल कर रहा है अभी क्रूज कंट्रोल ट्राई करने का। तो चलो मिलके करते हैं। यहाँ पे एक बटन है, मैंने दबाया, यहाँ पे एंगेज हो गया। देखो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सिग्नल कि क्रूज कंट्रोल ऑन है। अब इसको सेट कैसे करना है, ये वाला बटन नीचे को दबाना है। अब ये सेट हो गया बॉस, अब हाथ छोड़ के देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब मेरे को एक्सेलरेटर देने की जरूरत नहीं है, हाथ छोड़ के मैं चला सकता हूँ क्रूज कंट्रोल, और मैं अपनी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो अभी मैंने बढ़ा दी, ये बढ़ाई जा रही है आगे, हाथ मैंने छोड़ रखे हैं। जैसे ही मैंने ब्रेक पे लगाया हाथ, ये डिसएंगेज हो गया क्रूज कंट्रोल। नाइस फीचर मैन, कब से चाहिए था मुझे ये भूसा में, पुरानी वाली भूसा में तो चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि भाई बहुत ट्रैवल किया मैंने उसके ऊपर में। आई एम वेरी हैप्पी दैट इसके अंदर ये वाला फीचर भी है। राइट टर्न करी मैंने बाइक थोड़ी लीन और राइट साइड में मैंने लीन करी अभी तक 27 डिग्रीज। तो जो भी आपका मैक्सिमम लीन एंगल होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जैसे लेफ्ट का दिखा रहा है 26, राइट का 27। एंड हर्ष को मैं छोड़ आया था थ्रॉटल शॉटल पे, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे एक ब्रिज है जो बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट अभी वो चालू हो गया, मतलब लॉकडाउन के बाद जब मैं इधर को आया ना कल परसों, मैंने तब देखा था बट उसको व्लॉग में नहीं दिखाया था। सोचा कि यार आपको भी दिखाते हैं। वैसे आपको दिखाने का एक रीज़न ये भी था, मेरे को अभी ना बाइक चलाने का और दिल कर रहा है, मेरे को अभी सेटल डाउन नहीं होना। मेरा लेफ्ट का लीन एंगल हो गया 33 और राइट का हो गया 31, मतलब आई एम गुड एट टेकिंग लेफ्ट टर्न्स। सो एक और हो जाए जरा,